नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टीएमबीयू कॉपी बिक्री मामले में कुलपति ने दी सफाई, कहा प्रति कुलपति के प्रपोजल पर दिया अप्रूवल, जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे देवघर, बाबा बैद्यनाथ धाम में की पूजा अर्चना। सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार स्कूली बस ने युवती को रौंदा, मौके पर हुई मौत। बायोटेक के छात्रों ने टीएमबीयू प्रशासनिक भवन में किया हंगामा, कहा मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन। और अपनी मांगों को लेकर बीएसएनएल कर्मियों ने किया भूख हड़ताल, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अब समाचार विस्तार से। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कॉपी बिक्री का मामला तुल पकड़ने के बाद कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुलपति ने कहा कि प्रति कुलपति प्रोफेसर राम यतन प्रसाद के प्रपोजल पर ही उन्होंने अप्रूवल दिया होगा। वैसे कॉपी कब और कैसे बिकी इसकी जानकारी उनके पास नहीं है। कुलपति प्रोफेसर ए के राय ने कॉपी बिक्री मामले की जाँच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने की बात कही। साथ ही कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि टीएमबीयू में कॉपी बिक्री का मामला सीनेट की वार्षिक बैठक में सीनेटर डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने उठाया था, जिसके बाद कुलपति ने सदन में कहा था कि विश्वविद्यालय से कॉपी कैसे बिकी इसकी जानकारी उनके पास नहीं है। जबकि प्रतिकुलपति प्रोफेसर राम यतन प्रसाद कह रहे हैं कि कुलपति के आदेश पर ही कॉपी की बिक्री की गई है। बता दें कि कॉपी बिक्री मामले की जांच करने शनिवार को रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह खुद ऑडिटोरियम और दिनकर परिसर स्थित परीक्षा ब्लॉक गए थे। वहीं सोमवार को कुलपति ए के राय ने रजिस्ट्रार के द्वारा किए गए जांच पर आपत्ति जाहिर की। हम बता दी, अभी तो बोले 3 व्यक्ति की हम कमेटी बनाए हैं, जिसमें कि सिंडिकेट सीनेट के लोग रहेंगे, फिनांस के लोग रहेंगे। ये लोग जो है 15 से 20 दिन के अंदर में जाँच करके देंगे। वो जाँच जब होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी कि किसका दोष है, कितना किसका। देखिए इसमें हर एक स्टेप है, उसमें शुरुआत करें तो हम लोग पीवीसी साहब हुए, उसके बाद कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन हुए, उसमें 4 आदमी की कमेटी जो बनाई गई थी, जैसा मुझे पता चला है, क्योंकि मैं आज ही आया हूँ 2 दिन के बाद, हमने फाइल को नहीं देखी है। बट आई नो कि किसी ने हमको बताया कि नहीं सर, हम लोगों ने 4 आदमी की कमेटी बनाई थी और जिसमें कि सभी के सामने सभी का दस्तखत है, सभी का सब कुछ है। तो जब तक हम इंक्वायरी कराएंगे ना, अकेले हम अगर जाँचते हैं तो अगेन ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाए, इसलिए हम नहीं जाँचते हैं। और फिर हम कमेटी को बना दिए हैं, जो कि मेंबर वहाँ प्रेजेंट थे जिसमें ये आवाज़ उठाई गई थी, और जो मेंबर जो है फिनांस से जुड़े हुए हैं, फिनांसियल रूल से जुड़े हुए हैं कि क्या होना चाहिए, तो उन लोगों को हमने बनाया है। वह रिपोर्ट 15 से 20 दिन के अंदर में देगा, जो रिपोर्ट देगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। नहीं, शनिवार में रजिस्ट्रार साहब को अभी हरवाने की जरूरत नहीं थी, जबकि हम कह चुके थे कि हम इसकी जाँच कराएंगे। मान लिया यह कुछ जाँच करने के लिए गए, ये अपना रिपोर्ट कुछ लिए, जांच कमेटी कोई दूसरा रिपोर्ट दे रही है, तो ऐसा बेहतर ये है कि जांच कमेटी जो बनी है इन्हीं के द्वारा नोटिफाई हो, इन्हीं के द्वारा नोटिफाई होगा। मान लिया जाए कि अकेले ये जांच करके दे दें तब तो कोई बात नहीं, लेकिन ये अकेले ही जांच कर नहीं सकते हैं, क्या इनको तो काम वही करना है जो वाइस चांसलर का आदेश होगा, तो उसमें आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आप इंटरनल मैटर में पढ़ गए, इंटरनल मैटर में आप मत पढ़िए, आप पढ़िए अपने मैटर से। आप सूचना लेने आए हैं, आप सूचना लीजिए, आप वो क्या बोले और हम क्या बोले, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, दिस इज नॉट द जॉब ऑफ एनी दूरदर्शन या किसी का जो है, ये आपका जॉब नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने 1 दिवसीय कार्यक्रम के तहत सोमवार को देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ धाम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। वहीं पूजा के दौरान आरएसएस प्रमुख के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। मंदिर में पूजा के बाद मोहन भागवत सत्संग आश्रम के निर्धारित कार्यक्रम में शरीक हुए। बांका बारहाट थाना क्षेत्र के औरिया गांव के समीप सोमवार को सड़क पार करने के दौरान छात्रा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि औरिया गांव के समीप सड़क पार करने के दौरान छात्रा तेज रफ्तार प्राइवेट स्कूल बस की चपेट में आ गई। छात्रा की पहचान योगेंद्र शर्मा की 17 वर्षीय पुत्री सुप्रिया कुमारी के रूप में हुई है। घटना के बाद बस चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायल छात्रा को बारहाट PHC में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही बाराहट थाना प्रभारी परीक्षित पासवान दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और स्कूल बस को जब्त कर लिया।
वहीं मृतिका के परिजनों के द्वारा लिखित आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में सोमवार को बायोटेक के छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद छात्र धरना पर बैठ गए। धरना पर बैठे छात्रों ने कहा कि पिछले कई दिनों से विश्वविद्यालय के अधिकारी समस्या दूर करने के बजाय उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। TNV कॉलेज के बायोटेक के छात्रों ने बताया कि किसी एक पेपर में फेल होने पर सारे पेपर की परीक्षा सिर्फ बायोटेक के छात्रों से ली जाती है, जो बिल्कुल गलत है। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कोऑर्डिनेटर, कुलपति, प्रतिकुलपति, परीक्षा नियंत्रक समेत कई अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की और कुलपति से हस्तक्षेप करने की मांग की। मांग और धरना का उचित कारण हम लोग अभी आपको नहीं बता सकते हैं, पहले बताए हैं, शायद आप लोग के ध्यान में नहीं हो और इसलिए नहीं बता सकते हैं। अभी से 7 दिन 8 दिन पहले हम लोग वापस आए थे तो हम लोगों के खिलाफ कुछ बोला गया, कंट्रोलर सर ने बोला। जब हम लोग जाके ये बात प्रोफेसर सर को बताए तो उनका साफ स्टेटमेंट है, अभी तुम लोग मीडिया में कुछ मत बोलो जब तक तुम लोग का काम नहीं हो जाता है। नहीं होता है काम, आज वो बुला है, उसके बाद तुम लोग को जो करना है करो। इसलिए हम आप लोग से 10 मिनट का टाइम मांगते हैं, 10 मिनट के बाद हम लोग प्रोफेसर सर मिलेंगे, बात कर लेते हैं, उसके बाद जैसा होगा आप वहाँ पे रहिएगा मौजूद, सारा चीज आपको खुद बखुद पता चल। भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को भागलपुर BSNL महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में एक दिवसीय भूख हड़ताल किया। राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल कार्यक्रम के तहत भागलपुर BSNL ऑफिसर्स एसोसिएशन के साथ केंद्र यूनियन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने केंद्र सरकार एवं दूर संचार विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अविलंब मांगों को पूरा करने की बात कही। NFTE के सुनील प्रसाद सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा BSNL के पुनरुद्धार के लिए 69,000 करोड़ के पैकेज की स्वीकृति दी गई है, लेकिन अब तक पैकेज लागू नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बकाया वेतन भुगतान करने के साथ समय पर वेतन देने एवं BSNL 4G स्पेक्ट्रम अविलंब लॉन्च करने के अलावा कई और मांग सरकार से की। काली प्रसाद यादव ने कहा कि घाटे में चल रही BSNL के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इस मौके पर FNTO, NFTI सहित ऑफिसर्स यूनियन के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। हम लोगों के ऑल इंडिया कॉल पर हम लोग ये एक दिन का भूख हड़ताल रखे हुए हैं। 11 तारीख को हम लोग प्रदर्शन किए हुए थे। सरकार हमारे स्टाफ को लॉलीपॉप दिखा करके एक बढ़िया दे रहे हैं पैकेज दे करके, हमारा 78,500 आदमी हमारा VRS में चला गया, इसको एक पैसा नहीं दे रहा है, 3 महीने से तनख्वाह रोके हुए है। जब हमारा जबलपुर में आदमी फांसी लगा के कर्मचारी मर गया, एक आदमी किरासन तेल लेकर के GM के चैम्बर में घुस गया, GM के देह पर डालने लगा, अपने देह पर डाल के आग लगाने लगा, तब जाके किसी तरह दिसंबर का सिर्फ पे दिया है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। GD गोइंका पब्लिक स्कूल, CBSE कॉरिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, AC बस विथ GPS एंड CCTV, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है GD गोइंका पब्लिक स्कूल, G6 बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार पुलिस सप्ताह के तहत नाथनगर पुलिस के द्वारा उर्दू प्राथमिक विद्यालय मोमिनटोला में सोमवार को चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता में लगभग 200 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। साथ ही प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। वहीं नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छात्रों में छुपी प्रतिभा को उजागर करना है। मौके पर मुकेश यादव, हरिराम चौधरी, मुजम्मिल अंसारी व विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका मौजूद थे। वहीं जगदीशपुर में बिहार पुलिस सप्ताह के तहत जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर रंगोली, चित्रकला एवं संगीत प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व जगदीशपुर थाना अध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी ने किया। वहीं प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। मौके पर शंकर पासवान, फूल कुमारी, अनु कुमारी, आशुतोष चंद्र मिश्र सहित कई छात्र छात्रा मौजूद थे।
भागलपुर नगर निगम सभागार में सोमवार को वार्ड संख्या 1 से 10 तक के पार्षदों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी वार्ड के पार्षदों के साथ उपनगर आयुक्त SP वर्मा ने वार्डों की साफ सफाई, रोशनी एवं योजना से संबंधित मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस दौरान पार्षदों ने अपने वार्ड में नई योजनाओं को अविलंब शुरू करने की बात कही, साथ ही जनता से जुड़ी अन्य समस्याओं पर भी अपनी बात रखी। उपनगर आयुक्त ने पार्षदों को अविलंब कार्य शुरू करवाने और गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की बात कही, साथ ही योजना शाखा, सफाई शाखा एवं रोशनी के प्रभारियों को कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। मौके पर आदित्य जायसवाल, हरेराम चौधरी, मोहम्मद रेहान सहित कई लोग मौजूद थे। भागलपुर मड़वाड़ी कॉलेज में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना IQAC एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के संयुक्त बैनर तले किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. गुरुदेव पोद्दार ने की। वहीं TMBU कुलगीत के रचयिता विद्या वाचस्पति अमोद कुमार मिश्र ने कहा कि देश के विकास में मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कार्यक्रम में NSS के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. आशीष मिश्र, प्रोफेसर मोहन मिश्र, डॉ. आयुष कुमार गुप्ता समेत कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे और मातृभाषा की महत्वता बतलाई। मौके पर डॉ. रामसेवक सिंह, मृत्युंजय कुमार, राबिया मुस्कान समेत कई लोग मौजूद थे। भागलपुर SM कॉलेज सभागार में सोमवार को व्यवसायिक कक्षा ऑफिस मैनेजमेंट BBA एवं BCA की छात्राओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में छात्राओं ने मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संबंधित विषयों पर प्राप्त ट्रेनिंग को लेकर अपना अनुभव साझा किया। इस दौरान सभी छात्राओं को प्रमाण पत्र दिया गया। कॉलेज की प्राचार्य डॉ. अर्चना ठाकुर ने कहा कि ट्रेनिंग में शामिल होकर छात्राएं काफ़ी खुश हुई हैं और आगे भी कॉलेज प्रशासन छात्राओं की बढ़ोतरी के लिए प्रयास करेगी। कार्यक्रम में डॉ. तबरसुम परवीन, डॉ. रफीउल हसन, डॉ. मुकेश सिंह सहित मेरठ इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि मौजूद थे। हमारे यहाँ वोकेशनल कोर्सेज में सबको पता है BBA, BCA और OMS की। मेरे यहाँ बच्चों पर बहुत ध्यान दिया जाता है कि कैसे उनका सर्वांगीण विकास हो। इसी के तहत यहाँ मेरठ में एक है मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बड़ा ही समृद्ध इंस्टीट्यूट है। वहाँ के प्रोफेसर आके मुझसे मिले, उन्होंने ब्रीफ किया, मुझे अच्छा लगा। ये बहुत ही हमारी छात्राओं के हक में होगा और हमने अपनी तीनों फैकल्टीज की छात्राओं को कुछ शिक्षकों के साथ, फैकल्टी मेंबर्स के साथ मेरठ भेजा उस इंस्टीट्यूट में, और सारी छात्राएं बहुत बहुत प्रसन्न होकर उन्होंने बतलाया। भागलपुर के मसाकचक में सोमवार को श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ हुआ। कार्यालय का उद्घाटन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सह बिहार झारखंड प्रभारी शक्तिनाथ श्रीवास्तव ने फीता काटकर किया। मौके पर शक्तिनाथ श्रीवास्तव ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कंपनी की विकास यात्रा एवं भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत की। साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनी की पंचायत एवं ग्रामीण स्तर पर भी कार्यालय संचालित होगी, जिससे जन जन तक सुविधा का लाभ पहुँचेगा। उद्घाटन समारोह का सफल संचालन कंपनी के कार्यालय प्रबंधक संदीप सिन्हा, क्षेत्रीय प्रशिक्षक अनुरेश रंजन, मैनेजर KN राय, दीपक मिश्रा एवं अन्य सदस्यों द्वारा किया गया। समारोह में क्षेत्रीय शाखा से आए कार्यालय प्रबंधक एवं सेल्स प्रबंधकों ने प्रशंसनीय योगदान दिया। मौके पर चंद्रमोहन झा, अमित कुमार, श्रीकांत, विकास कुमार, डॉक्टर मणिभूषण, डॉक्टर सीमा सिंह समेत कंपनी के कई कर्मचारी मौजूद थे। ये भागलपुर रीजन का आज ओपनिंग था और श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ये बिहार जोन के अंतर्गत ये रीजन आता है और बिहार जोन में ये 5वां रीजन है और अभी इस साल हम लोगों ने इसकी स्थापना की है और बिहार जोन में लगभग टोटल 5 रीजन हैं, 58 ब्रांचेज हैं और लगभग 16,000 हमारे सेल्स ऑफिसर हैं। आने वाले दिनों में हम लोगों ने ये प्लान किया है कि 525 ब्लॉक्स हैं पूरे बिहार में, पूरे बिहार में हम लोग इसकी शाखा का विस्तार करेंगे। बांका बौसी थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजली ऑफिस के सामने पुराने विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बिजली ऑफिस के समीप बमबम चौधरी के आवास पर कांग्रेस के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष केशव सिंह का पुत्र विजय कुमार अपनी मोटरसाइकिल से पहुंचा और गाली गलौज करते हुए हवा में गोली चलाई एवं बमबम चौधरी के पुत्र ऋतिक चौधरी को जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़िता की पत्नी आशा देवी ने बताया कि आरोपी युवक घर के बाहर गोलीबारी कर भाग गया। घटना की जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर गोपाल नारायण सिंह एवं बौसी थाना अध्यक्ष राजेश कुमार यादव दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस का खोखा बरामद किया। पीड़ित परिवार ने पुरानी रंजिश को लेकर घटना को अंजाम देने की आशंका जताई है। खाली इतने बोला कि मतलब कि ऋतिक कहाँ है, तो हम बोले अपन बोल रहे, हम विजय सिंह बोल रहे हैं। इतने हम बोले क्या बात है, मार दिया फटाक से गोली उसरा।
अच्छा कहाँ पे शटर में हम अंदर में थे, शटर लगा हुआ था, हम खसटर उठा नहीं पाएंगे, उतना भारी था वो शटर, तो हम तो वहाँ से भागे तुम्हारी ओर से कि कन्हे का बात नहीं। रजौन थाना स्थित राजेश्वरी नाथ मंदिर के प्रांगण में महाशिवरात्रि के मौके पर प्रखंड के स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा की प्रस्तुति कर दर्शकों का मन मोह लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज प्रथा, शराबबंदी पर लघु नाटक की प्रस्तुति कर दर्शकों की खूब ताली बटोरी। मौके पर प्रमोद सिंह बिल्डन, प्रकाश कुमार पंकज, प्रदीप सिंह, मनोज सिंह सहित कई स्कूली बच्चे, शिक्षक एवं शिक्षिका मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएमबीयू कॉपी बिक्री मामले में कुलपति ने दी सफाई, कहा प्रतिकुलपति के प्रपोजल पर दिया अप्रूवल, जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे देवघर, बाबा बैद्यनाथ धाम में की पूजा अर्चना। सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार स्कूली बस ने युवती को रौंदा, मौके पर हुई मौत। बायोटेक के छात्रों ने टीएमबीयू प्रशासनिक भवन में किया हंगामा, कहा मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन। और अपनी मांगों को लेकर बीएसएनएल कर्मियों ने किया भूख हड़ताल, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।